हेलो फ्रेंड्स, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आज आपका स्वागत है। मैं प्रेरणा गुर्जर आज आपको नवोदय की तैयारी कराऊंगी। नवोदय विद्यालय में 11 अगस्त का पेपर है, इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी मैं आज आपको। इसी तरीके के उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो अपना क्वेश्चन है 41 से 60 तक क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो अपना 41वां क्वेश्चन है, तीन अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर है। तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, 41वां क्वेश्चन है, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे 999, और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे तो कितनी हो जाएगी 100। इसमें अंतर करना है, अंतर पूछ रहा है। तो 9 में से 0 माइनस करें तो कितना आएगा 9, और 9 में से 0 माइनस करें तो 9, और 9 में से 1 माइनस करें तो 8। 499 आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ऐसे अपना 42वां क्वेश्चन है, एक अवाद संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो एक अवाद संख्या हम ले रहे हैं 5, उसके गुणनखंड एक और स्वयं, एक हो जाएगी और 5, तो कितने हैं जी 2 हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा। ऐसे अपना 43वां क्वेश्चन देखते हैं, 2 बिन 2/5 तथा 3/4 का योग निम्नांकित रूप में ज्ञात किया जा सकता है। तो 2 और योग है ना, तो 2/5 प्लस 3/4। इसमें पूरा सॉल्व नहीं किया है ऑप्शन में, इसी तरीके से दिया है, इसी तरीके से कर लेंगे। तो बट्टे में यहाँ पे गुणा हो जाएगा 5 × 4, यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम ले लिया है, तो गुणा हो गया है 5 × 4, और इससे 5 से 5 कट जाएगी, और 4 है और 2 है, तो 4 × 2 हो जाएगी। प्लस का निशान है तो प्लस कर लेंगे। अब इसमें 4 से 4 कट जाएगी, यहाँ पे 5 रह जाएगी, क्योंकि ये तो इसमें कटी है ना, और यहाँ पे 5 रह जाएगी, तो इसमें 5 × 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें देख लेंगे, पहला है तो इसका पहला हो जाएगा। और 44वां क्वेश्चन करते हैं, 44वां क्वेश्चन है 6, 10 और 15 का लघुत्तम समावर्तक, इसमें 12 है एलसीएम। तो 6 और 10 15 से छोटी हैं, 6 से और 10 से 15 नहीं कट रहा है ना, 15 से 10 6, तो 15 × 2 कर लेंगे। 2 का गुणा करें, 1 का गुणा करें तो नहीं कट रही, तो 2 का गुणा करके देखेंगे, 15 × 2 = 30। अब ये संख्या 15 से भी कट रही है 30, और 6 से भी कट रही है, और 10 से भी कट रही है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। कौन सा ऑप्शन है? ए। सो ए हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन करेंगे, 45वां क्वेश्चन है अपना 0.003 बराबर है 0.003। अगर इसमें ये पॉइंट, अगर इसको पॉइंट उठाएंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, कितने के बाद पॉइंट है 1, 2, 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे नीचे, 1, 2, 3 भिन्न में दे रही है इसमें, तो इसका 3/1 क्या रहे है, तो इसका ए हो जाएगा, ये अपना आंसर है। ऐसे 40वां करेंगे, 1.302 और 10 का गुणनफल है, 1.302 × 10 गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणा करेंगे, और 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितने अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 अंक बाद है, तो 10 का गुणा और कर देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 2 अंक बाद पॉइंट होगा, तो यहाँ से ही सरका दें यहाँ पे एक पॉइंट, तो 13.02 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है इसमें? डी दे रहा है, तो अपना डी हो जाएगा आंसर। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, 47वां क्वेश्चन है 78.0678 का दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध मान निकालें। शुद्ध मान निकालना है 78.0678, 2 अंक तक निकालना है, तो 2 अंक अपने ये हैं, ये 5 से बड़ी संख्या है 7, तो 5 से बड़ी संख्या है तो इसमें एक जोड़ जाएगा, अगर 5 से छोटी होती तो नहीं जोड़ते, तो 5 से बड़ी संख्या ये तीसरी संख्या है, तो इसमें एक जोड़ देंगे 78.07, 5 से बड़ी है इसलिए इसमें जोड़ दी, अगर 5 से छोटी होती तो उसमें नहीं जोड़ते, तो इसका कौन सा हो जाएगा अपना 78.07। कौन सा ऑप्शन अपना?
बी तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 48वां देखते हैं, 425 माइनस 125 भागित 25 गुणा 6 प्लस 37, 425 माइनस 125 भागित 25 गुणा 6 प्लस 37। पहले भाग का चिन्ह सॉल्व करेंगे, 425 माइनस भाग का चिन्ह यहाँ पे, तो 25 का भाग इसमें दे देंगे, तो 125 बट्टे 25 संख्या ताल है यहाँ की ऐसी, 6 प्लस 37। अब 25 से 125 को कितनी बार काटेंगे, 5 बार, कितनी बार कट जाएगी, 5 बार, तो 425 माइनस 5 गुणा 6 प्लस 37। अब किसका चिन्ह सॉल्व करेंगे, गुणा का, 425 माइनस 5 का और 6 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 30 प्लस 37। यहाँ पे प्लस की संख्या है और ये माइनस की और ये प्लस की, तो प्लस प्लस की पहले प्लस कर लेंगे, तो 37 425 प्लस 37 करेंगे, प्लस प्लस की संख्या प्लस कर लेंगे, बाद में 30 माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लो, 7 5 कितने होते हैं, 12, तो 2 1 कैरी, तो 3 और 2 5 हो गए, और 5 और 1 कैरी है तो कितने हो गए, 6 और 4, इसमें से माइनस 30 करना है, और 2 में से 0 माइनस करना है तो 2 और 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 और 4, कितना आंसर अपना, 432 इसमें है ऑप्शन में, हाँ डी है, तो 432 अपना आंसर हो जाएगा। अब 49वां क्वेश्चन करेंगे, 49वां क्वेश्चन है, निम्नांकित दंड चार्ट एक चित्रकार के पास जानवरों के चित्रों की संख्या दर्शाता है, दंड चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो दंड चार्ट अपना ये रहा, क्या पूछा है, सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है, तो सिंह की संख्या कितनी है, 50 है और हिरण की 125 है, तो 125 माइनस 50, सिंह की 50 दे रही है, तो 125 माइनस 50 5, 12 में से 5 माइनस करें तो 75 हो जाएंगे पूरे। और हिरण की संख्या का कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये निकल आई कुल 75/50 गुणा प्रतिशत पूछा है, तो 10 का 100 का गुणा करेंगे, 50 से 100 दो पोत कट जाएगा, 75 × 150% 50वां क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, 25% बचाता है तो 25% है तो परसेंटेज टाइम बट्टे में 100 बराबर 3000, अगर ये 100 यहाँ पे भाग में तो इधर की साइड किधर में जाएगी, गुणा में, तो 3000 गुणा 100, तो ये 25 गुणा में तो कहाँ में आएगी, भाग में, भाग गया, 25 से 100 कितनी बार कटेंगे, 4 बार, और 3000 में 4 गुणा करें तो कितना जाएगा, 12000, कौन सा ऑप्शन दे रहा है अपना, बी, ये आंसर हो जाएगा अपना। 51वां क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि क्या है, तो 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, 24 × 10 कर लेंगे, 240, और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो 36 में भी 10 का गुणा कर लेंगे, 360 आ जाएगा, 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, तो खरीदता मतलब क्रय मूल्य, ये 240 क्या है, क्रय मूल्य, और यहाँ पे 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से उन्हें बेचता है, तो बेचता मतलब विक्रय मूल्य, क्या पूछ रहा है, उसका लाभ या हानि, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, लाभ या हानि पूछ रहा है,
तो इसमें विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा अपने लाभ। सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपना कितना है 360, माइनस क्रय मूल्य कितना है 240। माइनस करते हैं 0, 2, 120, 120 रुपये का लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन है, डी, तो डी हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन करेंगे। 52वां क्वेश्चन है, उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। बॉक्स कैसा है, घनाकार बॉक्स है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यों होता है। ये अपनी तीन भुजाएं, तो तीन यहाँ पे रख लेंगे। तीन का क्यों क्या होता है 27, तो 27 यहाँ पे मीटर दे रहा है, इसमें आयतन पूछा है तो मीटर क्यों हो जाएगा। ये अपना आंसर है, कौन सा दे रहा है, बी, बी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन करेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई अपनी 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई अपनी कितनी दे रही है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, तो 15 सत्ते कितने होते 105। 105 और यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा अगर आयतन निकालें तो यहाँ पे क्यू होगा और क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, सी, तो सी हो जाएगा अपना आंसर। 54वां क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, औसत पूछा है 10 विषम संख्याओं का। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत सूत्र क्या होता है, एन, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत एन होता है कितनी है 10 विषम है, तो एन की पे क्या रख लेंगे 10, तो इसका 10 आंसर हो जाएगा सी। 55वां क्वेश्चन करेंगे। एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 2 में 60, तो 1 में कितनी चलेगी 30। अगर 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, अगर 30 का आधा कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 30 बराबर 30 गुणा 1/2, 2 से काट देंगे 15 बार, तो 15 किलोमीटर आ जाएगा। इस कौन सा ऑप्शन है, सी, तो 15 हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन करते हैं। 60 और 72 के महत्तम समावर्तक और लघुतम समावर्तक का गुणनफल क्या बराबर है। 60 गुणा 72 बराबर, इन दोनों का मासा कितना आएगा 12 गुणा और लासा 360। 12 इसको काट देंगे 5 बार और 36 से 72 को 2 बार, इसको 10 बार, 10 बराबर 10 बराबर हो रही है तो गुणनफल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा। 57वां करते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां का अनुपात 5:4 है, यदि लड़कों की संख्या 2500 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। लड़कों की 5 दे रही है, लड़कियों की 4/5 कर देंगे, लड़कियों के ऊपर रख देंगे, लड़कों के नीचे। लड़कों की संख्या कितनी दे रही है 2500, और 5 से 2500 कितनी बार काटेंगे 500 बार, 500 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। तो 2000 किस में दे रहा है, ए में,
2000 अपना आंसर हो जाएगा। 58वां करते हैं, चाल 200 मीटर प्रति 20 सेकंड में तुल्य किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है। 200 बट्टे 20 कर लेंगे, 10 आएगी, 10 अपनी क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, सॉरी सेकंड, इसमें पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तो कितने का गुणा करेंगे, 18 बट्टे 5 का, तो 5 से 10 दो बार कितना आएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है, 59वां क्वेश्चन करेंगे, अनुज की आय एवं खर्च का अनुपात 8:5 है, तो खर्च एवं बचत का क्रमशः अनुपात, यहाँ पे आय और खर्च दे रही, तो आय कितनी है 8 और खर्च 5, और खर्च एवं बचत का क्रमशः अनुपात पूछा है, तो 8-5 कर देंगे, 3 बचत आ जाएगी, खर्च एवं बचत का पूछा है तो अपनी खर्च कितनी है 5, खर्च कितने हैं 5 और बचत अपनी कितनी निकल के आई थी 3, तो कितना अनुपात हो जाएगा, 5:3। 60वां क्वेश्चन करते हैं, भिन्न के रूप में 33 सही 1/3% का मान है, तो 33 सही 1/3 प्रतिशत का भिन्न में मान बताएं, तो 100 का भाग दे देंगे तो 1/100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1/3, कौन सा ऑप्शन है अपना सी, तो अपना 1/3 आंसर हो जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के अभी हमने सवाल कराए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें।